नमस्ते सोनिया जी, नमस्कार। मेरा भी राख लीजिए। कैसी हैं? फस आते आते थक जाती हूँ और तबीयत तो आपको पता ही है, खराब चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगी, डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ है। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा था मैंने, आप जरा दिखा दीजिए। देखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, शो मी। कुछ ले देखे, मतलब चलो ठीक है, मतलब आप मांग रही हैं ले देखे, इसलिए बोल रही हूँ। ये क्या है, वाइट पेपर? मैंने आपसे डॉक्यूमेंट मांगे थे। इसके ऊपर प्याज प्याज का पानी डालिए, सब ठीक तो सारा खाली पन्ना है। नहीं सब ठीक है, इसके अंदर मैंने आपसे डॉक्यूमेंट मांगे थे। मैं आपको वही बता रही हूँ, रात को चोरी हो गए वो, तो आप इसके ऊपर प्याज का क्या है तो इसके ऊपर आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा। क्या है ये, व्हाट इज दिस? दिस इज मेरा जीवन खोरा खाकर खोरा ही रह गया। आप यहाँ डायलॉग बाजी करने आई हैं? डायलॉग तो मुझे इटली के भी नहीं आते, लेकिन इस समय मेरी इस वजह से डायलॉग क्या आ रहा है। मैंने आपसे आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट मांगे थे, व्हाट इज दिस? देखिए असली वाला पेपर निकालिए, बहाना मत कीजिए, चलिए निकालिए। मेरे पास पेपर निकालिए, पेपर निकालिए। मैं आपको वही कह रही हूँ, आप साइन करके गई हैं कि आप आफ्टर लंच आएंगी तो विद डॉक्यूमेंट के साथ आएंगी। इडी दीदी मैं वही बोल रही हूँ, इडी दीदी के मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। कितना? बहुत सारे पेपर्स हैं, उनको इकट्ठा करने में कहाँ कहाँ रखे हैं, मेरे को बहुत टाइम जा रहा है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। कार का काम भी होता है, चौखा चूल्हा सत्ता अठा नौ दसा ये सब करने के बाद, राहुल को दूध वगैरह देने के बाद, उसको इटालियन पास्ता देने के बाद जो टाइम बचता है उसमें ढूंढती हूँ। टीवी में देख रही हूँ क्या हेडलाइंस चल रहे हैं, टीवी में क्या चल रहे हैं कि माँ से पूछताछ को लेकर राहुल गांधी ने दिया धरना प्रदर्शन, बैठे हैं बाहर? वो बाहर बैठा है, पहले मुँह पे वो कपड़ा डाल के बैठा था तो तीन चार लोग धार गए उसमें ही, मैंने कहा ये ढंग से हटा इसको, ये पूरा जो आके लगा रखा है। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या करें जब किसी का टाइम खराब आता है ईडी दीदी, तो यही होता है, रगड़ रगड़ के पूछते हैं। मेरे बेटे ने अभी शर्ट पहना है, देखिए उसको चारों तरफ से पकड़ के ले जाएंगे, शर्ट का ब्लाउज बना देंगे। पूछताछ तो होगी ना, आप सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, बात खत्म कीजिए। कितना चलिए बताइए कि आप कह रही हैं कि आपकी जो कंपनी है वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, आपने कहीं कुछ डोनेशन वगैरह किया है क्या? मेरे डोनेशन दिखाई नहीं देते हैं। मतलब? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे सारे डोनेशन बाहर होते हैं, इंडिया से बाहर, खस्तर पेटली में। अब आपने देखा कि मैं यहाँ पर चुन्नी संभाली अपनी। ओ हाँ सॉरी एक सेकेंड, किसी की घर की बहू हूँ, इज्जत हूँ, इस वजह से संभालनी पड़ रही है। मेरे सारे डोनेशन इटली हो रहे हैं, मेरी माँ की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मेरे ही यहाँ से दी गई है, तो आप उसको समझ लीजिए। उनके घर का नाम मैंने NGO निवास करवा दिया। और राहुल की माँ की जितनी प्रॉपर्टी है उसका हिसाब किताब कहाँ है? अरे राहुल की माँ का तो यहाँ निकल रहा है ना, दिमाग भी और थिल भी, यहाँ से सीधा आप, आज आपके हाथ में हमने देखा फोन भी है। बिल्कुल है, तो आप सीधा जेल वालों को फोन मिलाएंगी, वो यहाँ आएंगे, लट्ठे को ढालेंगे अंदर, माल की तरह फार देंगे और सीधा जेल में उतारेंगे। इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम मांगा है आपसे, कम से कम अपने क्लॉथ्स वगैरह तो ले आऊँ अपने घर से, यहाँ से बड़ी पूरी हालत हो जाएगी। आप सवालों का जवाब नहीं देंगी तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। एक्शन तो आप लीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन दूसरी जो लेडी है वो भी कहाँ से बिलोंग करती है, उसका भी थोड़ा सा आप वो देखिए, मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। कितना टाइम? यही कोई 10-15-20-25-30-35 साल दे दीजिए, पर ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ। क्या? देखिए जितना ज़्यादा आप देंगे मेरी प्रॉपर्टी। कल आपको फिर से आना है, कल दोबारा। कुछ बीच का रास्ता? कोई बीच का रास्ता नहीं है, साइड का दोनों तरफ। नो लेफ्ट राइट, मतलब मेरे लग गए 200 सवाल हैं, 200 क्वेश्चंस।
आपने तो ऐसे ही निपटा दिए 200 सवाल, 200 सवाल जिसमें आपने अभी तक 50 सवालों के जवाब भी नहीं दिए। मैं तो यही कहूंगी, देखिए इज्जत तार खर की बहू हूँ, इज्जत से ही जाऊंगी और आपको परेशान नहीं करूंगी, पर मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। लेकिन ये पैसों का लेन देन, इसके आप कुछ प्रूफ तो दिखाएंगी? उसी में तो मतलब उन्हीं को छुप, अब मतलब उन्हीं को इधर उन्हीं को वो करने में टाइम लग रहा है। क्या करने में टाइम लग रहा है? मतलब लिस्ट निकालने में, कोई लिस्ट कहीं बैंक स्टेटमेंट होगा कहीं पर, बैंक भी तो एक नहीं है ना, हमारे 50-60 बैंकों में अकाउंट्स हैं, तो सब देख करके। आज आप जो फर्जी डॉक्यूमेंट लाई हैं प्लेन पेपर, वो भी सबमिट कर दीजिए, कल आप रियल डॉक्यूमेंट लेके आइए। चलिए, इसमें मैं बता रही हूँ, इसमें मैं जो कहना चाह रही हूँ आपसे, आप प्याज का पानी लगाएं। हाँ, वो प्याज आलू सब घिस लेंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए। आज आपने जो जो बोला है यहाँ साइन कर दीजिए। एक तो ये साइन इतना खरा रही हैं आप, साइन क्या लिखा है आपने? ये लिखा है संस्कृत में सोनिया, हिंदी में लिखिए आपका प्रॉपर जो साइन है, हिंदी और इंग्लिश। ओ सॉरी सोनिया गांधी हो गया, गांधी लिख रही थी। सोनिया लिखिए। देखिए आपकी उम्र का लिहाज करते हैं, आप ज्यादा बदतमीजी करेंगी तो फिर हमें एक्शन लेना होगा, ठीक है? मैं सिर्फ इस भारत की जनता को एक बात बोलना चाह रही हूँ, आज मेरे दोनों हाथ खट चुके हैं, पर फिर भी मैं इन खटे हाथों से आपसे नमस्कार प्रणाम करके ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई भी चीज गलत नहीं किया। अगर मैं गलत होती तो मैं अब तक इटली वाले अपने बेंगलोर में जा चुकी होती, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों की सेवा करने के लिए, तो थोड़ा टाइम दे दीजिए और तब शायद मैं वहाँ फुर नहीं मतलब इधर उधर हो जाऊँ थोड़ा, मतलब तबीयत खोले करके। धन्यवाद, मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, राहुल का ख्याल रखिएगा, उसे अपना भोगो और छोटा भी बड़ा भी बहुत प्यार रहा है। मेरे हस्बैंड इन लॉ भी बाहर ही है, अब मतलब सन इन लॉ भी बाहर ही है, बेटी पिलाख पिलाख कर कह रही है मेरी माँ को छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ ही नहीं रही दीदी, इडी दीदी। थैंक यू सो मच, गो, ओके, विल मीट यू टुमारो, ओके। सुरजेवाला सामान उठाओ हमारा।